इलेक्ट्रा बैच ऑन द इलेक्ट्रा चैनल स्टार्ट कर दिए हैं DFCCIL के लिए, गेट के लिए और HAL के लिए। ठीक है, इसमें जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट किए हैं इस लेक्चर नंबर थर्ड के अंदर, हमने सारे जो स्विच हैं, जो बुलियन एलजेब्रा चल रहा था, स्विच मिनिमाइज कैसे करते हैं, SOP, कॉनिकल मिनिमल और कॉनिकल SOP में कैसे लिखते हैं, POS ट्रुथ टेबल होगी इसकी, ड्यूल हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है, वेन डायग्राम, स्विच और स्टेटमेंट। देखो इसके अंदर सबसे पहले क्या देखेंगे हम, ड्यूल देख रहे हैं, ड्यूल का डायग्राम से देख लेंगे और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट सेवन से स्टार्ट करेंगे हम, वेन डायग्राम, स्विचिंग कैसे, स्विचिंग में एंड और एज ए स्विच कैसे वर्क कर रहे हैं इनका स्विच सर्किट, और लास्ट में देखेंगे हम स्टेटमेंट। तो ये सब देखेंगे हम, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बुलियन एलजेब्रा, देखिए बुलियन एलजेब्रा में क्या क्या पढ़ चुके हैं हम, ये देखेंगे पहले क्या क्या पढ़ना था। ठीक है, हम क्या पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ना था, सबसे पहले हमने क्या देखा था कि एक थ्योरम मिनिमाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था, SOP था, SOP में दो फॉर्म पढ़ी थी हमने, एक मिनिमल पढ़ी थी और एक कॉनिकल। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या था, POS पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक, चौथी चीज़ क्या थी, ट्रुथ टेबल थी। फिफ्थ नंबर क्या था, ड्यूल था। सिक्स नंबर क्या था, कंप्लीमेंट था। सेवन्थ नंबर क्या था, अब सेवन्थ नंबर पढ़ेंगे वेन डायग्राम। एट नंबर क्या पढ़ेंगे, स्विच सर्किट पढ़ेंगे, स्विच सर्किट। और नाइन्थ नंबर क्या पढ़ेंगे, स्टेटमेंट। यहां पर जाकर एलजेब्रा खत्म हो जाएगा, नाइन चीज पढ़नी हमने। ठीक है, अब नेक्स्ट सेवेंथ नंबर पढ़ेंगे, वेन डायग्राम पढ़ेंगे इसका। ठीक है, क्लियर हो गया। देखो पीछे का अगर आगे का समझना है तो पीछे का जरूरी है, ये सारी चीज़ पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, तो सेवेंथ तक वहाँ तक देखें। सबसे पहले क्या है कि देखिए क्वेश्चन दे रखा है, एक अगला ड्यूल का ही है, इसमें क्या करते हैं कि ये जो है इसका ड्यूल लेना है, क्वेश्चन वाई का। अब वाई का ड्यूल लेने के लिए देखो, ड्यूल लेंगे तो इस पे क्या कर देंगे, बार लगा देंगे, और बार लगा देंगे तो किस में, देखिए ये क्या है, SOP है। अब SOP को मिन टर्म है, मिन टर्म को किस में कन्वर्ट कर देंगे, POS बार लगाते ही। अब POS के लिए बताया तो मैंने, जहाँ प्रोडक्ट है वहाँ पर क्या कर देंगे, सम कर देंगे, ये देखो सम हो गया, जहाँ सम था वहाँ प्रोडक्ट कर दिया, जो ए था उस पर बार लग गया। ठीक है, तो ये तो ईजी है, ये तो कर चुके हम, ड्यूल डायरेक्ट कर देंगे ना प्रोसीजर से, अब तो डायरेक्ट कर देंगे सीधा इसका SOP का POS निकाल लेंगे। इसके बाद देखिए, अब ड्यूल मान लो एक नोर गेट दिया हुआ है, इसका ड्यूल करना है अपने को, क्या होगा, इसके आगे एक तोर लगा देंगे, नोट बबल लगा देंगे नोट का। अब ड्यूल करने के लिए क्या हो जाएगा, सेम आएगा, देखो इधर भी नोट है, इधर भी नोट है, तो इसका ड्यूल करेंगे एंड का, तो ए प्लस में भी और में चेंज हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया था कि डॉट का ड्यूल क्या होता है, प्लस, यही था। तो अब ड्यूल करते टाइम ये ध्यान रखेंगे, जब भी एक एंड गेट का ड्यूल करेंगे तो दोनों बबल्स यहाँ, एक बबल्स यहाँ लग जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा नोट। बबल का मतलब देखो, एंड गेट जो है हम पढ़ेंगे, नोट गेट जो है, अगर ये नोट गेट होता है ना, नोट कब होता है, अगर ये नोट इस पे ये बबल्स ना हो तो इसका मतलब क्या होगा, बफर की तरह एक्ट करेगा, अगर नोट लग गया, ये बबल लग गया है तो ये नोट गेट बन जाएगा, वरना ये क्या रहेगा, बफर की तरह एक्ट करेगा, जो इनपुट देंगे वही आउटपुट आएगा बफर में, नोट में अपोजिट होता है। देखो गेट आगे डिस्कस करेंगे, आगे देखेंगे, अभी ये देखिए। ठीक है, तो इसके ऊपर एक बबल था, इधर बबल, तो क्या होगा, ए बार डॉट बी बार, अब होल, अब आगे जाएगा तो होल पे बबल आ जाएगा, ये होल पे बबल आ गया। अब इसको बबल को हटाने के लिए क्या करते हैं हम, डी मॉर्गन थ्योरम देखिए हमने, इस पे लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए डबल बार, जब ये बार हटाते हैं तो ये मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, चेंज, प्लस
प्लस में बी डबल बार, और दो के ऊपर बार का सेम आंसर होता है, ए डबल बार का मतलब क्या है, ए ही है ना इसका मीनिंग। ठीक है, क्लियर। अब कॉम्प्लीमेंट निकालना है। देखिए ये तो है ड्यूल, अगर कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो कॉम्प्लीमेंट में एक बबल लगा देंगे, यानी उसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, जैसे कि एंड ए बी था, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ए बी, लेकिन कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, ए डॉट बी का होल बार, कॉम्प्लीमेंट हो गया ना कोई भी, जैसे कि 01 है, 01 का क्या आता है आंसर एंड में, 01 का तो क्या आता है, 0 आता है, क्योंकि 0 की जिससे मल्टीप्लाई, लेकिन 01 का जब इसमें करेंगे, 01 पे बार लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ना, इसका आंसर 1 आएगा ना। देखो कैसे 0 है ये, देखो कैसे आता है ये 0 लिया, ये 1 लिया, ठीक है, इसके ऊपर होल पे बार लग गया। अब इस बार को हटाने के लिए इस पे बार, ये डॉट किस में बदल जाएगा, प्लस में, और इस पे बार, ठीक है। अब 0 का क्या होता है, 1, प्लस 1 का क्या, 0, 1 प्लस में 0 क्या होता है, 1, ठीक है, हो गया होगा, अब तो क्लियर कंसेप्ट आ गया होगा समझ में। देखिए अब अगला है ड्यूल और कॉम्प्लीमेंट, क्लियर हो गए हैं अब यहाँ से क्वेश्चन से, ड्यूल का भी हो गया, कॉम्प्लीमेंट का भी हो गया है सर्किट में, ध्यान रखना। अब वेन डायग्राम में देखते हैं, देखिए वेन डायग्राम क्या है, जनरली हम मैक्सिमम जगह वेन डायग्राम देखते हैं, वेन डायग्राम से क्या होता है कि चीज़ों को समझना आसान हो जाता है, ठीक है। जो वेन डायग्राम है किसी में जब रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि एक पार्ट होता है जो कॉमन होता है पूरा, जिसको हम जो ए डॉट बी है, इसको क्या क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और जो ए प्लस में बी है इसको क्या बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं, ठीक है। ये मैथ में भी ऐसे ही यूज होता है और यहाँ पर भी ऐसे ही यूज होगा एज इट इज, ठीक है। तो जो ये है पोर्शन, अब इतना सेटेड कौन सा है इसका, ये तो हो गया 1 जो इसका खुद का है, और ये बाकी ये क्या कॉमन वाला, ये 0 होगा, इसी तरह इसका क्या हो जाएगा, ये 1 और ये 0, और जो कॉमन है बीच का इंटरसेक्शन पार्ट, ये क्या हो जाएगा, 1 1, और जो बाहर का आउटर बस गया ये क्या हो जाएगा, 0 0, ठीक है, समझ में आ गया। 0 को हम बाहर से रिप्रेजेंट करेंगे और 1 को हम ए से ही रिप्रेजेंट करेंगे, ये याद रखना, कई बार बता दिया है ये। अब देखिए अब अपने को दिया हुआ है जो वेन डायग्राम है, इसमें हमें साइड को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें अब ये पूरा ये साइड दिखा रखी ना, उस उसको लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, पहला बार का तो क्या हो गया, 0 0 हो गया, और ये अंदर का क्या हो जाएगा, ए बी बार, और बाहर ये जो कॉमन वाला है वो क्या हो जाएगा, ए बी, क्योंकि 1 1 होता है भाई, यही है पूरा, पूरा का पूरा है ना, यही है खाली, ये जो पोर्शन है इसका ये नहीं है बस, बाकी एज इट इज है, यानी ए बार बी, ए बी, और क्या हो जाएगा, तो ये सेडिड है इस वक्त ये पोर्शन, तो ए बार बी बार हो गया, यही तो बच गया, 0 0 को हम कैसे लिखते हैं, ए बार बी बार इधर लिखते हैं, ठीक है, पूरा पूरा वही है सेम जो ऊपर है, खाली ये सेटेड ऑप्शन ऐसा आ जाता है, वेन डायग्राम दे रखा है ये, इसमें अब ऑब्जर्वेशन लिखना है। अब क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बार ए प्लस में बी बार, ठीक है। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन में ये दे दिया, अब इस इसकी साइड को रिप्रेजेंट करना है, ये पता ही है 1 0 होता है, ये 1 1 होता है कॉमन वाला, और ये क्या हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, तीनों का ऐड करेंगे तो ए बी हो गया, तीनों का ऐड करेंगे भाई, ये वाले तो हम देख ही चुके हैं। अब देखिए ऐड करना का देखना है, तो आपको यहाँ से बी कॉमन ले लो, ठीक है, या यहाँ से ए कॉमन ले लो, ए बार बी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए प्लस में ए बी बार बी हो गया, ए बार बी, ये दोनों 1 हो जाएंगे, ए प्लस में बी तो बचेगा, देखो नहीं आया, देखो इसको समझने के लिए ना, इसको सोल्व करने के लिए आप इधर देखो, ये अगर ए है ये बी है, ठीक है, क्या क्या था अपने पास, 0 0 0 1 1 0, यही तो था, ठीक है, तीन ही तो थे अपने पास, 1 1 था ना, 1 0 नहीं था, 1 1 था, तो 0 0 को कैसे लिखेंगे हम, 0 0 को तो ए बी बार बार प्लस में ए बार बी प्लस में ए बी, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, अगर इसमें से क्या कॉमन ले लेगा, ए बार ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, बी प्लस में बी बार, जो क्या होता है,
वन होता है, ठीक है, प्लस में ए बी। यहाँ क्या आएगा, ए बार प्लस में ए बी, तो वन जीरो था इसमें, जो कॉमन था ना, जो कॉमन वाला था ए बी बार प्लस में ए बी बीच वाला और ए बार बी, ये वाले सोल्व करना है इसमें। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इनमें से अगर कॉमन लेंगे तो ए कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया बी बार प्लस में बी, इसकी वैल्यू वन होती प्लस में ए बार बी, यही बचा, इसकी वैल्यू वन होती है, ठीक है, ये क्या बच गया ए प्लस में ए ए बार बी। अब ए बार बी इन दोनों की इसके क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, बार ए बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ए ए बी बच गया, इसका क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ए बार वन हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा ए बी। अगर मान लो एक कंडीशन ऐसी है कि हमें पूरे का फाइंड करना है, जो अब तक जितना भी दे रखा है ए बार बी बार ए ए बी बार ए बी और ए बार बी, ठीक है, चारों को टर्म ले लिए है और हमें अब क्या फाइंड करना है, इक्वेशन क्या आता है, तो ये जो आएगा ना इन दोनों में से तो क्या हो जाएगा बी कॉमन, बी बार कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, बी कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, बी बार बी क्या होता है वन होता है। तो इसका आंसर जब भी क्वेश्चन आ जाए टोटल हमें वेन डायग्राम फाइंड करना हो तो वन ही होगा उसका आंसर, ठीक है। तीन वाला देगी, इसमें ये वाला क्या हो जाएगा वन जीरो वन, ये क्या हो जाएगा वन वन जीरो, ये क्या हो जाएगा ट्रिपल वन, और ये क्या हो जाएगा जीरो वन वन, क्योंकि इसके इधर वाले दो साइड हैं जीरो वन वन। अब इनकी देखिए इक्वेशन जब फाइंड करते हैं हम, इनको लिखने का तरीका ये पहले लिख चुके हैं ऐसे, अब इनमें देखिए इसके और इसके अंदर से ए बी कॉमन ले लेंगे, इधर ए सी कॉमन ले लेंगे, इधर बी सी कॉमन ले लेंगे, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी ए बी ए सी प्लस में बी सी, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं स्विचिंग, स्विचिंग देखिए स्विचिंग सर्किट क्या होते हैं, स्विचिंग एक तरीके से हम जो घरों में यूज़ करते हैं वही स्विचिंग है। स्विचिंग का मतलब होता है कि हमने कोई इनपुट दे रहे हैं, वो जब इनपुट दे रहे हैं उस वक्त उस इनपुट का असर क्या होगा, उस इनपुट के कारण अगले सर्किट में कंटिन्यूटी बनती है नहीं बनती, ठीक है, वो चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बफर लिया, बफर में मैंने बताया था बफर का सिंबल जनरली ऐसे लेते हैं, इसमें अगर वन देंगे तो आउटपुट क्या आएगा वन ही आएगा, ठीक है, और ये इधर जीरो देंगे इनपुट तो आउटपुट क्या आएगा तो जीरो ही आएगा, जो इनपुट देंगे वही आउटपुट, तो ये तो बफर, जैसा इनपुट वैसा ही आउटपुट, ठीक है। नोट गेट में क्या होता है, नोट में खाली यहाँ पर बबल लगाते हैं, उसका अपोजिट होता है, जो इनपुट हमें वन देंगे तो आउटपुट जीरो, जीरो देंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा वन आ जाएगा। अब देखिए इस सर्किट को समझते हैं, तो बफर में बताया था जो इनपुट देंगे वही आउटपुट, इनपुट क्या अप्लाई कर रहे हैं, इनपुट मान लो हमने जीरो अप्लाई किया यहाँ पर, ठीक है, जीरो अप्लाई किया तो क्या होगा, सर्किट में कनेक्शन बनेगा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, जैसा इनपुट वैसा ही आउटपुट, यानी नहीं बना तो बल्ब नहीं चलेगा, ये बल्ब है ये तो बल्ब नहीं चला। अब क्या हो जाएगा कि हमने वन दिया, जो इनपुट है वो हमने वन दिया, जब वन देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए वन दिया, वन देते ही क्या हुआ, वन देते ही कनेक्शन बन गया, इससे टच हो गया ये वायर, अब क्या होगा स्विच ऑन हो गया, ऑन हो गया तो क्या हो जाएगा बल्ब जल जाएगा, मतलब जैसा इनपुट दिया वैसा ही आउटपुट। अब देखिए एक नोट गेट, नोट गेट मैंने बताया था कि नोट गेट में उल्टा होता है, इनपुट वन दिया तो आउटपुट जीरो, जीरो दिया तो आउटपुट वन, ठीक है, ये नोट गेट का है टेबल, देगी ये इनपुट आउटपुट हो गया। जब नोट गेट में देखो जीरो दिया हमने, जब जीरो दूंगा मैं तो ये क्या होगा ऑन होगा, ये नहीं होगा ना, ये स्विच तो ऑन नहीं होगा, इसके टच नहीं होगा, सर्किट नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो सीधा आउटपुट ये जो वोल्टेज अप्लाई की है ये यहाँ से चली जाएगी और बल्ब जल जाएगा, ठीक है, कोई इशू। तो जब हम जीरो अप्लाई करेंगे तो सर्किट कंटिन्यूटी बनी रहेगी और हमें बल्ब जला हुआ मिलेगा। देखिए अब वन अप्लाई करते हैं, जब हम वन करेंगे इसका मतलब क्या होगा, स्विच ऑन हो गया, कंटिन्यूटी बन गई। अब ये बताइए आप, जो अपना करंट है वो कहाँ से फ्लो करता है, भाई यहाँ से रजिस्टेंस जीरो है, इसका कुछ रजिस्टेंस है, तो सप्लाई आगे तो जाएगी नहीं भाई, सप्लाई तो यहीं से निकल गई, सर्किट ये आगे बल्ब वाला तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, बल्ब जलेगा ही नहीं, बल्ब नहीं जलेगा ना, तो क्या हो जाएगा, तो जब हम वन अप्लाई करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, जीरो है ना,
यही तो देख रहे हैं, आउटपुट जीरो है, सर्किट यहीं से हो गया, कंप्लीट ही नहीं हुआ। ठीक है, तो ड्यू टू लो रेजिस्टेंस एक वायर बन गया, ठीक है, इसके कारण ये तो समझ में आ गया ना। नोट नोट कैसे बिहेवियर करता है स्विच में, एज ए स्विच जब हम नोट कैसे बिहेवियर करता है। ठीक है, नोट का हो गया, चलो कोई नहीं। अब देखो नोट का जो रिप्रेजेंटेशन है ना, दो तरीके से होता है ये तो क्वेश्चन, मतलब ये समझ लो आते ही आते हैं इस तरह के, इस तरीके का। ये तो जो ट्रांजिस्टर है ना, एज ए ट्रांजिस्टर हम नोट गेट को कैसे लिखते हैं ये तो याद ही कर लो, ये तो आते ही आता है, डायग्राम दे देते हैं डायरेक्ट कई बार, VOC ए, तो इसमें क्या होता है ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ कब होता है वो देखना होता है हमें। ठीक है, उस अकॉर्डिंग वाई आउटपुट जीरो और वन की फॉर्म में आता है, ये तो आते ही आते हैं। ठीक है, नोट गेट हो गया, अब इसके बाद क्या आता है एंड गेट का देखते हैं। देखो एंड गेट का, अब गेट को देखेंगे, ये तो स्विच देख रहे हैं, एंड गेट भी मैं साथ साथ बता रहा हूँ। एंड गेट में क्या होता है, ए और बी इनपुट है और वाई आउटपुट है। एंड गेट का वैसे स्टार्टिंग में बताया था, जब ए और बी इनपुट है और वाई आउटपुट है, ये ए और ये बी और ये आउटपुट वाई, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, देखिए आप थोड़ा क्रिस्टल क्लियर देखिए होता है क्या। देखो ये है गेट, अभी स्विच देखो पढ़ तो स्विच रहे हैं, लेकिन मैं गेट के भी साथ साथ बताता जा रहा हूँ ताकि टेबल आपको याद हो जाए। ए और बी आउटपुट वाई है, ए बी आउटपुट वाई है। देखो इनपुट जब एक बार जीरो देंगे, दोनों जीरो हैं, ए और बी, 0 1 है 1 0 है 1 1 है, यही मैक्सिमम यही अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा तो इनपुट होता ही नहीं कुछ। आउटपुट क्या आएगा, जब 1 1 की मल्टीपल 0 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट 0 0 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 1 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, जब 1 1 करेंगे तो ही तो 1 आएगा, बाकी केस में तो 0 आएगा। ठीक है, तो 1 इसी केस में 1 आएगा। इसी तरीके से नोट गेट में तो क्या था, नोट गेट में भी यही बताया था मैंने कि ये ए इनपुट है वाई आउटपुट है, ए इनपुट वाई आउटपुट। नोट गेट में क्या होता है, 0 देंगे तो आउटपुट क्या आएगा, 1 1 देंगे तो 0 आएगा। ठीक है, 2 हो चुके हैं, अब बफर का देख लीजिए, बफर में तो जैसा इनपुट देंगे वैसा ही आउटपुट रहता है। ठीक है, मान लो ये ए है और ये बी है, आउटपुट वाई मान लेते हैं, तो 0 देंगे 1 देंगे तो 0 और 1 ही आउटपुट होगा इसका। ठीक है, इसके बाद आता है एक और गेट, और गेट में क्या होता है, आउटपुट इनपुट ए और बी आउटपुट वाई है, जब और गेट देंगे तो ए बी और वाई 0 0 0 1 1 0 1 1 यही देंगे। अब देखिए और गेट में क्या होता है, ऐड होता है, तो 1 0 प्लस में 0 तो 0 ही होगा, 1 0 प्लस में 1 क्या आ जाएगा, 1 1 प्लस में 0 क्या आ जाएगा, 1 1 प्लस में 1 क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, ये और गेट का हो गया। ठीक है, तीनों गेट देख चुके हैं, अब देखिए इनका टेबल, ये क्या कहते हैं स्विच क्या कहता है। अब एंड स्विच को देख रहे हैं, एंड स्विच में क्या होता है, अब 0 हमने अप्लाई किया सबसे पहले 0 और यहाँ पर भी 0, तो ये क्या हुआ, 0 0 का आउटपुट ये हुआ नहीं, तो बल्ब नहीं जलेगा, ग्लो नहीं होगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आउटपुट 0। जब 0 0 अप्लाई करेंगे तो स्विच ऑन नहीं हुए, सप्लाई आई नहीं, तो आउटपुट क्या आएगा 0। अब देखिए ये 1 किया मैंने एक, लेकिन ये 0 है अभी, तो सर्किट कंप्लीट हुआ नहीं हुआ कंप्लीट, तो क्या होगा आउटपुट क्या होगा, 0 ही आएगा। तब मैंने, अब मान लो इसको मैंने 1 किया और इसको 0 रखा, तो भी सर्किट कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, सर्किट तो टोटल सप्लाई कंप्लीट ही नहीं हुई, 1 0 1 1 रहने से सप्लाई कंप्लीट होगी, ये 0 है ये 1 है, ये सर्किट कंप्लीट ही नहीं हुआ, कनेक्शन ही नहीं बना, तो बल्ब नहीं जलेगा। अब देखिए 1 और 1 अप्लाई करता हूँ मैं, जब दोनों केस में 1 1 है तो क्या हो जाएगा, ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और आउटपुट 1 आ जाएगा, भाई बल्ब ग्लो करेगा इसमें, क्लियर हो गया कंसेप्ट। ठीक है, अब देखिए अब हम और का देखते हैं, और में क्या होता है पैरेलल में लगा देते हैं। देखिए दो तरह के सर्किट हैं, चाहे आप ऐसे यूज कर लो या ऐसे यूज कर लो, ठीक है सेम ही टेबल बनेगी। देखिए जब हम और के अंदर 0
यहाँ देंगे, यहाँ क्या देंगे, जीरो। तो जीरो जीरो क्या आएगा, सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, आउटपुट क्या आएगा, जीरो। देखिए उसके बाद क्या करते हैं, हमने वन दिया, जब हम वन देंगे तो ये देखो सर्किट कंप्लीट होगा, ये जीरो ही है लेकिन ये वन है, यहाँ से तो कंप्लीट हो गया, तो क्या आएगा आउटपुट, आउटपुट तो वन आएगा, यानी बल्ब जल जाएगा। देखिए अगर बी जीरो हुआ, ये वन हुआ बी और ये जीरो हुआ ए, तो भी सर्किट कंप्लीट हो गया, तो भी आउटपुट वन आएगा, तो जल जाएगा। अगर ये दोनों हैं, दोनों ही वन हो गए, तो क्या होगा, तब भी सर्किट कंप्लीट हो गया, तो आउटपुट वन आ जाएगा, बल्ब जलो ग्लो करेगा। ठीक है, क्लियर हो गए होंगे कंसेप्ट, कैसे स्विच एज ए स्विच वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, देखो एक बात और है इसके अंदर, हमें कई बार क्या होता है लिखने के लिए वे आ जाता है कि एक स्विच दे रखा है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमें पता ए, सबसे पहले तो देखो ए लिख दिया, इसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है मल्टीप्लाई कर दिया, ये दोनों पैरेलल में, तो ये किसका हो गया सिंबल, और का हो गया, और में क्या होता है प्लस में होता है। ठीक है, इसके बाद ये किस में है, ये इन दोनों के पैरेलल में, इस सब के पैरेलल में क्या है, डी है, तो प्लस में डी हो जाएगा। तो बुलियन अलजेब्रा ये बन गया अपना एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन बन गया ना। अगर हमें कोई स्विच दे रखा है तो लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाने के लिए आया जाए, तो हम बना सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब इसमें बनाना है हमें, सेम है, देखो ये दोनों क्या है पैरेलल में, और ये किस में है फिर इसके सीरीज में, तो ए मल्टीप्लाई आ जाएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा, बी प्लस में सी जुड़ जाएगा। ठीक है, और होल पे बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये किसके है, अब देखिए ये और ये, अब आउटपुट हमें यही चाहिए ना, समझ गए ना, जब आउटपुट हमें यही चाहिए, नॉट गेट देखा था, उसके बाद नॉट गेट का बिहेवियर आ जाता है ना। लेकिन नॉट गेट में क्या था, ये यहाँ तो ही था नॉट गेट में, नॉट गेट में क्या होता था, जीरो और वन की फॉर्म में होता, जब वन देंगे तो ये जीरो देंगे तो ये जल जाएगा, वन देंगे तो जलेगा नहीं, इसलिए बाहर आया। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए लास्ट है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या होता है कि मान लो एक लॉजिक सर्किट है, थ्री इनपुट ए बी सी, आउटपुट इज वाई, इज लॉजिक फॉर वन, वन के लिए होता है। ठीक है, अगर ए सी इनपुट है, ट्रू है, ट्रू को हम कैसे लिखते हैं, ए और सी, फॉल्स में ही तो बार लगाते हैं इस पर, वरना ट्रू होती है तो ए और सी, अगर बी और सी देखो फॉल्स है तो बी बार और सी बार, ए बी सी क्या है, ट्रू है, तो ए बी सी को ट्रू में कैसे लिखेंगे, ए बी सी, अगर फॉल्स होता तो ए बार बी बार सी बार, भाई फॉल्स में तो बार लगाते हैं हम, ये तो क्लियर हो गया होगा अब तक, जीरो और वन कैसे यूज करते हैं। अब देखो मिनिमाइज करना है, मिनिमल एक्सप्रेशन इसको करना है, मिनिमाइज करना है, ये अपना लॉजिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो देखो इन दोनों में से तो ए और सी कॉमन ले लो, और इन दोनों में से बी बार सी बार कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा, यहाँ ए सी बच जाएगा और ये बी बार सी बार बच जाएगा, बाकी तो वन ही हो रहा है। देखिए इंपॉर्टेंट, देखिए क्वेश्चन आई ई एस 2011 और गेट 2000 और 2005, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आया हुआ है। ए लॉजिक सर्किट है थ्री इनपुट, एक लॉजिक सर्किट है जिसके इनपुट कितने हैं, थ्री इनपुट है, ए बी सी, अब लॉजिक सर्किट है ए बी सी, तीन इनपुट है, एफ इज आउटपुट, एफ आउटपुट है उसका, एफ इज लॉजिक वन व्हेन मेजोरिटी ऑफ द इनपुट आर लॉजिक वन, एफ जो आउटपुट है वो वन कब होगा, जब मेजोरिटी ऑफ इनपुट आर वन, जो इनपुट अप्लाई किया है उसमें जो मेजोरिटी अगर वन है मेजोरिटी इनपुट की, तो लॉजिक क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू क्या हो जाएगा, आउटपुट वन आएगा। जैसे मान लो मेजोरिटी का मतलब ये जीरो है ये वन वन है, यहाँ मेजोरिटी है ना वन की, दो वन है लेकिन इनपुट जीरो ही है, तो यहाँ आउटपुट क्या आ जाएगा, वन। अगर यहाँ जीरो जीरो है ये वन है, अब मेजोरिटी किसकी है, जीरो की है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, जीरो। भाई यहाँ तो मेजोरिटी है ही नहीं, इसलिए आउटपुट वन हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से हमें मिनिमाइज करना है एक्सप्रेशन एफ को। अब देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ना, अब देखो क्या कह रहा है ये ध्यान से समझो। ये मान लो इनपुट ए बी सी, आउटपुट एफ है, ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि इनपुट क्या क्या होते हैं, जीरो जीरो, देखो टोटल इनपुट निकालने के लिए टू की पावर थ्री इनपुट बोल रहा है तो एट होता है, और जीरो से सेवन तक काउंट करने, सबसे पहला इनपुट जीरो 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 होगा, ठीक है, उसके बाद जीरो जीरो वन होगा,
जीरो जीरो वन जीरो होगा, उसके बाद जीरो वन वन होगा, जीरो जीरो वन हो गया, उसके बाद वन जीरो जीरो होगा। मैंने बताया था ये जीरो के लिए, एक के लिए, दो के लिए, तीन के लिए, चार के लिए, पाँच के लिए वन जीरो वन, छः के लिए वन वन जीरो, सात के लिए ट्रिपल वन। ठीक है, अब क्या कहा था, आउटपुट बताना है इसका। आउटपुट देखो कैसे बताते हैं आउटपुट, अब इसमें तो तीनों जीरो हैं तो जीरो, अब मेजोरिटी में क्या है, यहाँ वन है मेजोरिटी में, नहीं है जीरो है तो जीरो, यहाँ पर वन है मेजोरिटी में, नहीं है तो आउटपुट क्या आएगा, जीरो। अब कहा है देखो, उसके बाद क्या है, तीन के बाद, ये तीन का है ना जीरो है, ये जीरो वन वन, अब मेजोरिटी में वन है, फिर दो वन है, इनपुट एक जीरो है, तो क्या आएगा आउटपुट वन। वन जीरो जीरो में है, नहीं है तो जीरो, वन जीरो वन, यहाँ मेजोरिटी दो है इनपुट तो वन, वन वन जीरो यहाँ भी दो है मेजोरिटी वन, और लास्ट में ट्रिपल वन है, तो यहाँ तो मेजोरिटी है ही है वन की। तो आउटपुट कौन कौन से हो गए हमें, हमारे एक तो यहाँ पर, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो एफ की वैल्यू क्या आ गई, देखो जीरो को ए बार से लिखेंगे, अब इसको जो लिखना है, जो पहला इनपुट है, इसको कैसे लिखेंगे, एफ इक्वल टू ए बार बी और सी पहला, प्लस दूसरा इनपुट आउटपुट क्या है, वन यहाँ पर है, यानी ए बी बार सी, तीसरा कहाँ पर है, सिक्स पे है, क्या आ जाएगा ए बी सी बार, और फोर्थ नंबर पे क्या है ए बी सी, यही है। और देखिए इसको सोल्व करना है अब अपने को, इसको सोल्व करने के लिए यहाँ क्या है, ए बार बी सी, ए बार बी सी यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो बी सी कॉमन ले लिया, ठीक है, ए ए बार क्या हो जाएगा वन हो गया, ठीक है, यहाँ क्या है ए बार, अब यहाँ तो हो नहीं रहा है, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें सोल्व हो रहा है क्या, ए बी सी बार, ए बी सी बार, अब देखिए बी सी भी कहीं है, बी सी तो क्या बच गया अपने पास, ए देखो इसको ऐसे नहीं करते, इसमें से देखो इन दोनों में से ए बी कॉमन है, ए बी लिख देंगे, ठीक है, और ए बी कॉमन आ गया, इसके बाद क्या करेंगे, बी सी, बी बार सी, ए सी बार, इसमें देखिए देखते हैं, देखो ए बी सी बार था, देखो अलग अलग कॉमन लेना पड़ता है इसमें, ये देखो दो को देख लेना पड़ता है, जो अपना ये है, वन मिनट देखना, देखो इसमें क्या कर रखा है, ए बी ए बार बी सी और ए बी सी, ए बार बी बार सी, अब इन दोनों में से एक के अंदर से ले रखा है, देखो एक्चुअली में जो एक्सप्रेशन में है, जो ए बी सी है ना, इसको एक कॉमन ले रखा है, इसके अंदर से ए बार बी बी सी, क्योंकि एक के अंदर ही कॉमन आ रहा, सब के अंदर नहीं आ रहा, तो ए बार बी सी में से क्या हो जाएगा, बी सी कॉमन है तो बी सी होगा एक आंसर, ए ए बी सी बार में से क्या है, प्लस में ए सी है, और बी सी बार बी सी ए में क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए सी हो गया ना, बी सी ए था और ए बी सी था, ए बी सी ए बार सी था ना, ठीक है, देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये समझ में आ गया, ए बी बी सी और ए सी तीनों आ गए थे, देखो जो ए बी सी था इसके अंदर से कॉमन लेना, शुरू में इसके अंदर से कॉमन बी सी आ जाएगा, इसके अंदर से कॉमन ए सी आ जाएगा, और इसके अंदर से कॉमन ए बी आ जाएगा, यही था। अब देखिए अपने पास ये तो आ गया है ए बी बी सी ए सी, अब इसका जो है हमें वो बनाना है ए बी सी का, अगर हमें बुलियन अलजेब्रा की फॉर्म में लिखना है, तो अब गेट बनाएंगे, जब हम गेट बनाते हैं क्या आ गया, ए बी बी सी प्लस में ए सी, यही आया। अब इसको देखिए और गेट के फॉर्म में क्या लिख देंगे, देखो और गेट का रिप्रेजेंटेशन यही होता है,
ये मान लो ए बी इनपुट दे दिया, इस पे बी सी दे दिया, इस पे ए सी दे दिया। अब तीनों को समेशन कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या करेंगे, अब इनकी इनको तो ये क्या हो जाएगा, ये तो एंड का हो जाएगा ना, तीनों ए बी सी प्लस में इसमें और गेट से जोड़ देंगे। ये तीन तो एंड गेट आ जाएंगे और यहाँ पर एक और गेट आ जाएगा और ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, हो गया एक्सप्रेशन। ये तीन तो एंड गेट आ गए, ठीक है, तीन एंड गेट आ गए और एफ आउटपुट आ गया। तो समझ में आ गया, ये आई ई एस में आया हुआ क्वेश्चन है, दो बार गेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो इसको ध्यान से देखना, समझ में आ गया होगा। अब तो ना आए तो आप कमेंट करके पूछ लें, टेलीग्राम पेज, टेलीग्राम के ऊपर दिया हुआ है, वहाँ से डिस्कशन कर सकते हैं, वहाँ पूछ सकते हैं। इसके बाद देखिए लॉजिक गेट्स। अब बिल्डिंग और ब्लॉक, जो बेसिक बिल्डिंग और ब्लॉक है ना गेट्स की, वो देखते हैं, नॉट एंड और, ये है बेसिक गेट। तीन गेट होते हैं, नॉट एंड और, ठीक है। और जो अपने नैंड और नोर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता ही आता है। यूनिवर्सल गेट बोलते हैं इनको, इनको यूनिवर्सल गेट बोलते हैं नैंड और नोर को। और एक्जोर और एक्स नोर जो गेट है, ये क्या होता है, अर्थमेट्रिकल कंपेयर करता हूँ, हमें जब भी दो चीज़ों के बीच कंपेयर करना हो तो भी इसका यूज़ करते हैं, अर्थमेट्रिक में, कोड कन्वर्टर में, पैरिटी जनरेटर में। यहाँ से भी एक एक नंबर के देखो दो क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक गेट कौन से होते हैं, एक तो यही हो गया, एक हो गया यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं, नैंड और नोर। और एक्सोर और एक्सनोर जो गेट होते हैं ना, इसमें क्वेश्चन क्या आता है, पेरेट्री जनरेटर गेट किसे कहते हैं, ठीक है, और कंपेरेटर के लिए कौन से गेट यूज होते हैं, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये तीन चार क्वेश्चन है इसके अंदर से, देखो ये छोटा सा टॉपिक है, चार क्वेश्चन बन गए इसके अंदर से, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद क्या होता है कि हम नॉट गेट देखते हैं। मैं नोट गेट देखो पहले ही बता दिया था, उसके साथ साथ जब हम स्विच पढ़ रहे थे तभी गेट बताए थे। नोट गेट में क्या होता है कि ए इनपुट अप्लाई किया, आउटपुट ये है, तो जीरो अप्लाई करेंगे तो वन आएगा, वन अप्लाई करेंगे तो आउटपुट जीरो आएगा। ये ट्रांजिस्टर वाला सर्किट है नोट का, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए गेट 2004 और IES 2011 में क्वेश्चन आया था, दो नोट गेट है ना एक साथ लगेंगे तो कैसे एक्ट करेंगे, एज ए बफर। बफर में क्या होता है, जैसा इनपुट देंगे वैसा ही आउटपुट आएगा, तो दो नॉट गेट एक साथ लग जाएंगे सीरीज में, तो एज ए बफर यूज करेंगे, एक क्वेश्चन यही आया हुआ है, याद रखना, ठीक है। इसके बाद देखिए बाईस्टेबल, देखिए अगर ये कनेक्ट हो गए ऐसे, फीडबैक एज ए फीडबैक मैंने कनेक्ट कर दिया, फीडबैक लग गया इनके इन्हीं गेट के, तो ये बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बन जाएंगे। ये तो इंपॉर्टेंट है, बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बन जाएंगे। तो बेसिक बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या होते हैं, बेसिक मेमोरी होती है उनमें, ठीक है, वो मेमोरी स्टोरेज करते हैं। इसके बाद क्या होता है, अगर तीन गेट कनेक्ट हो गए, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आते आते हैं, तीन गेट कनेक्ट हो गए तो क्या होगा, इसको एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बोलेंगे, ये स्क्वेयर वेव जनरेट करते हैं, ठीक है। एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होगा, फ्री रनिंग सर्किट होगा, स्क्वेयर वेव जनरेटर होगा, क्लॉक जनरेटर होगा, रिंग ऑसिलेटर हो गया। देखो ये नाम भी याद होने चाहिए, एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, फ्री रनिंग सर्किट होगा, स्क्वेयर वेव जनरेटर होगा, क्लॉक जनरेटर हो गया और रिंग ऑसिलेटर हो गया। इसमें क्या होता है, देखिए जो एक साइकिल है अपनी, एक साइकिल में क्या है, अपना साइकिल का जो टाइम पीरियड है टोटल टी टाइम पीरियड होता है, और जो डिले एक होता है टीपीडी, ये होता है जो अपना टाइम डिले है ना उसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं। एन जो होता है वो होता है नंबर ऑफ नोट गेट, देखो कितने हो गए, टोटल टाइम कितना होगा, 6 TPD हो गया टाइम डिले, ठीक है। 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, और 2 3 क्या है, देखो नंबर ऑफ नोट गेट कितने हैं, 3, तो 3 की जगह क्या लिख देंगे, एन और टीपीडी, जितने भी नोट गेट होंगे ना उसकी जगह एन लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला बहुत है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, तो ये तो याद होना चाहिए, 2N TPD, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन आया था अपना गेट 2001,
ठीक है, और IES में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन क्या आया था इसमें कि अपने पास 1 2 3 4 शायद 5 थे, उसमें 5 गेट थे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था अपना, टी इक्वल टू 2P TD। फॉर्मूला क्या था, टी इक्वल टू 2×N×TPD, ठीक है। अब देखिए 2×N, टोटल नंबर ऑफ गेट कितने थे, 5, एक गेट नहीं लगा हुआ, टोटल नंबर ऑफ गेट कितने थे, 5। और TPD टाइम कितना दे रखा है, डिले जो दे रखा है, ये दे रखा है 100 पिको सेकेंड, ठीक है। पिको का मतलब होता है 10^-12 मीटर, ठीक है। तो 2×5×100 पिको, तो ये कितना होगा, 10^-9 टाइम डिले आ गया। अब देखिए हमें यहाँ से टाइम डिले आ जाता है तो हम फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एफ क्या होता है, 1/T होता है, ठीक है। 1/T हो जाएगा 9, तो ये कितना हो जाएगा, 1 GHz। देखिए क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन यही आया था कि ये क्या है, इस गेट को दे दिया अस्टेबल बाईस्टेबल, क्या है ये, तो बाईस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है, अभी बताया था ये बाईस्टेबल 2 के लिए। अगर 3 हो तो क्या हो जाएगा, एस्टेबल मल्टीप्लाईवेटर 3 के लिए, 2 में 22 स्टेबल, 1 में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं। एंड गेट देखिए, जब एंड गेट को देखते हैं तो AB Y आउटपुट क्या हो जाएगा, AB A और B आउटपुट Y। अब एंड गेट का कितनी बार, A 100 0 की मल्टीप्लाई 0 1 0 0 0 1 1 पे ही 1 आता है मल्टीप्लाई में। एंड गेट सीरीज स्विच होता है एंड गेट में, तो पता ही है एंड गेट का स्विच कैसे होता है, ऐसे ही तो होता है। अभी ये स्विच अभी डिस्कशन कर रहे थे, सीरीज स्विच होते हैं, ठीक है। एंड गेट के स्विच कहते हैं सीरीज में होते हैं। देखिए एक होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ। इसमें क्या होता है, देखिए जो AB है ना, AB को BA कैसे लिखेंगे, तो AB पहले इनपुट यहाँ था, ए और बी यहाँ था, अब यहाँ बी हो गया, बी ए हो गया, ये कम्यूटेटिव लॉ हो गया। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि ABC दे रखा है, AB और C को अलग से लिख देंगे, AB तो एक जगह इनपुट अप्लाई कर देंगे, C दूसरे गेट पर अप्लाई कर देंगे, तो ये एसोसिएटिव लॉ हो गया ऐसे। एंड गेट यूजिंग द डायोड, अब देखिए ये डायोड से, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं डायरेक्ट, एंड गेट डायोड से यूजिंग हो रहा है जब 0 0 दोनों ऑन है डायोड, जब डायोड दोनों ऑन है तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ऑन है तो ये अर्थिंग हो जाएगी, आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक ऑन है दूसरा ऑफ है, एक ऑन है दूसरा ऑफ है, तो भी 0 आएगा, क्योंकि यहाँ से देखो 0 होते हैं ये अर्थ हो गया, अब आउटपुट में तो कुछ जाएगा नहीं। अब 1 1 0 है, कोई सा भी एक 1 ऑन हुआ तो आउटपुट हमेशा अर्थिंग हो जाएगा। जब दोनों ऑन है मतलब दोनों ऑफ है, जब दोनों ऑफ है तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, दोनों ऑफ है तो आउटपुट डायरेक्ट यहीं से आ जाएगा ना, ठीक है। तो एंड गेट कैसे डायोड के जरिए ऑन यूज हो रहे हैं ये देखा अब हमने, पॉजिटिव एंड गेट। अब देखिए इम्पोर्टेंट क्या है कि अब एंड गेट के ऊपर हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, एक इसको अगर 0 या 1 कर देते हैं, ये एक टर्मिनल इसको कंट्रोल करता है कैसे, देखिए इसको अगर मैंने 0 कर दिया, अब एंड गेट में कुछ भी आप इनपुट अप्लाई कर दो, 0 1 A कुछ भी कर दो, जब 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा हमेशा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर डिसेबल हो गया है। अनेबल कब होता है, जब हम 1 अप्लाई कर देते हैं, तो एंड गेट के ऊपर जब हमने 1 यहाँ पर फिक्स कर दिया 1 को हमने, ठीक है, अब आउटपुट आप कुछ भी दो आउटपुट वही रहेगा, इनपुट अब वही रहेगा जो दूसरे टर्मिनल पे देंगे हम। यहाँ पर मान लो 0 दिया तो आउटपुट क्या आएगा, 0। यहाँ 1 दिया तो आउटपुट क्या आएगा, 1। यहाँ पर क्या दिया आपने, A दिया तो आउटपुट क्या आएगा, A, क्योंकि 1 के अगर जो भी मल्टीप्लाई होगा वो वही होता है जो आपने इनपुट दिया है, ठीक है। तो अनेबल और डिसेबल कब होता है, देखिए अनेबल का ये रहा, अनेबल और डिसेबल का पता चल गया, एंड गेट अनेबल और डिसेबल कब होता है। अब देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, एक कंसेप्ट और ध्यान में रखिए कि एक होता है वर्ड लिखा जाता है कई बार पुल डाउन, पुल डाउन का मतलब होता है कि हमने कनेक्टेड टू ग्राउंड, हमने उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है, पुल डाउन का मतलब ये है। एक होता है अपना पुल अप, पुल अप का मतलब होता है हमने कनेक्टेड कर दिया सप्लाई से, VCC से, जो सप्लाई वोल्टेज है ना उससे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। पुल अप पुल डाउन भी हो गया, देखिए
ये याद रखना है हमें, पुल अप पुल डाउन। उसके बाद क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो चुकी है अनयूज। अब देखिए हमें एक टर्मिनल इसका अनयूज रख दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा ए बी। अगर इसको वन कर दिया यानी वीसीसी से अप्लाई कर देंगे तो ये तो बेस्ट होता है, ठीक है। अगर हम इसको ए से ही कनेक्ट कर देंगे तो एक्स्ट्रा करंट वेस्ट होगा इसमें। देखिए अगर हम इसको इससे जोड़ देंगे, कोई मतलब थोड़ी है। देखो पहले अगर हमने ऐसे डायरेक्ट इनपुट दे रहे थे दो टर्मिनल से तो ए बी है, अगर हमने बी से या ए से किसी से भी एक से जोड़ देंगे तो एक एक्स्ट्रा करंट ही वेस्ट होगा, तो ये बेस्ट नहीं है अपना, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, देखो टीटीएल बाद में देखेंगे, टीटीएल लॉजिक फैमिली में पूरा लॉजिक फैमिली है, वहाँ वहाँ पर देखेंगे हम। एंड गेट यूज कैन, अब एंड गेट के यूज क्या होगा, अगर देखिए मैं बता चुका हूँ कनेक्टेड टू द लॉजिक वन है, इसका मतलब क्या होगा पुल अप होगा, कनेक्टेड टू द ग्राउंड हो गया तो पुल वो होता है डाउन होता है। टी टी एल गेट एज कहाँ कहाँ यूज होता है, देखिए एंड गेट के अनयूज हैं, अनयूज इनपुट कैन बी कनेक्टेड टू द लॉजिक वन पुल अप, कनेक्टेड टू द वन यूज इनपुट, कनेक्टेड टू द टी टी एल गेट, टी टी एल गेट में भी ऐसे यूज होता है। जब टी टी एल में क्या होता है फ्लोटिंग की तरह होता है ना, फ्लोटिंग एट विल बी एक्ट एज लॉजिक वन एंड ई सी एल में फ्लोटिंग विल बी एक्ट एज लॉजिक जीरो, ठीक है ये याद रखना, आगे आएगा जब देखेंगे। और बाकी अमंग द बेस्ट वे क्या होता है कनेक्टिंग अनयूज इनपुट वन, देखिए एंड गेट जो होता है उसमें क्या क्या देखेंगे हम, अब टेबल पढ़ेंगे इसकी। सबसे पहले सिंबल देखेंगे, सिंबल मैंने एंड गेट का बताया था, सिंबल क्या होता है, सिंबल क्या होता है ये एंड, ये इनपुट, ये सिंबल होगा एंड गेट का, ये इनपुट ए बी अप्लाई कर दिया आउटपुट वाई हो गया, ठीक है। लॉजिक गेट देखेंगे, लॉजिक देखेंगे, ट्रुथ टेबल देखेंगे और स्विच देखेंगे, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ प्रॉपर्टी देखेंगे इनकी, अनयूज इनपुट देखेंगे, अनेबल डिसेबल कब होता है और डायोड सर्किट, यही सब देखा है हमने एंड गेट में, ठीक है। ओके आज के लिए इतना ही, थैंक यू।